गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नोज़ इन्फेक्शन ठीक नहीं है बस मेरा। एंड आज फाइनली हम लोग ड्रेस में, कॉलेज के ड्रेस में, वाइट एप्रन एंड ये हमारा कॉलेज का ड्रेस, इसमें हम फाइनली आ गए हैं एंड जा रहे हैं कॉलेज। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं क्योंकि बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा कोजी सा मौसम है, सोने का मन कर रहा था। तो या आज एनाटॉमी का लैब है पहले, तो जल्दी जल्दी चला जाए कॉलेज एंड स्टार्ट करते हैं अपना डे यहीं से। इस लैब में पहुंच गए हैं एंड बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। वेदू सब लोग ड्रेस में है यार, कितना नया नया सा लग रहा है। और देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। एंड नोज इन्फेक्शन की वजह से लग गई है मेरी, लग गई है लिटरली। हमें कॉलेज के लिए बनाना है गाना, प्रतीश गाना गाना बनाएंगे। और मैस्कॉट में लिखना होगा, मैस्कॉट में तो एसडी गाइस। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन तबीयत खराब है। बहुत अवेयर करेंगे क्या? सो गाइस मैं घर आ गई और फ्रेशन अप होके खाना खाया है एंड नोज इन्फेक्शन देख रहे हो, हालत इतनी बुरी हो रही है क्या बताऊँ मैं। तो आज मैं अपॉइंटमेंट ली हूँ 6:30 का, तो डॉक्टर के पास जाऊँगी। लेकिन उससे पहले जो बात है कि आज हमारा पहला ऐसा दिन था जहाँ हम लोग ड्रेस में गए थे एंड इतनी गर्मी लगती है यार। ठीक, वाइट कोट पहनने का तो सपना था ऑब्वियसली, इतनी गर्मी होती है, बट स्टिल अच्छा लग रहा था आज। एंड हमारे कॉलेज का ड्रेस भी है जो कि हर कॉलेज में तो ऐसा ही होता है, ठीक है, बट हमारे क्लास में ड्रेस है वो भी पूरे 4th ईयर तक। एंड या अच्छा था दिन, ठीक था। एंड और पता है आज क्या हुआ? आज जो है हमारा एनाटॉमी में तो लैब था और इसी बीच में प्रिंसिपल ऑफिस गई थी। एक्चुअली इशू ये हुआ था कि जो हमने डीडी जमा की थी हमारे फीस के लिए एडमिशन के टाइम पे, वो हमें वापस दी जा रही है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। एंड वो डीडी वापस कैंसिल करा के एंड देन फिर वापस फीस जमा करने का ये थोड़ा सा इशू हो गया था। एंड मेरे फादर ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है एंड यहाँ पे एक डीडी मेरा लखनऊ का था, एक झारखंड का था, तो बड़ी इशू हो गई थी। तो जो झारखंड वाला है वो यहाँ पे उनका डीडी जो है उनमें कोई इशू नहीं है, वो उसके अकाउंट में जा चुका है कॉलेज के अकाउंट में। बट जो झारखंड वाला है 1 लाख का डीडी, वो जो है उसमें इशू है। तो वो डीडी मिली है एंड वो मुझे स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी। उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा टाइम मिल जाए करके मैं प्रिंसिपल सर के पास गई थी और उनसे मैंने बात भी की। वो भी चीज़ों को समझे, बट कोई कितना ही क्या ही समझ जाएगा, ऑब्वियसली फीस इसका है तो ठीक है, थोड़ी बहुत इशूज़ है ये सब, वही सब मैनेज कर रहे हैं। एंड जो तबीयत ख़राब है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब रहता है मेरा, और मैं मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ चीज़ों से आजकल, पता नहीं क्यों। तो बहुत इशू हो रहा है लाइफ में यार, क्या बताऊँ। ऊपर से अभी लोगो बनाने का कंपटीशन आया है, उसमें पार्टिसिपेट करा है। उसके बाद कॉलेज का एंथम बनाना, क्रिएट करने के लिए लिरिक्स लिखने का काम मिला है, तो बहुत सारा काम है। और फिर हमारा
इंटरनल्स स्टार्ट होंगे 16th से, एनाटॉमी का पेपर है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत कुछ पढ़ना है एंड अच्छा करने की कोशिश करनी है, बहुत डर लग रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, मैनेज कुछ नहीं हो पाता है, तो यही सब कुछ अभी चल रहा है एंड और यही सब है। उसके बाद अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद चलूँगी डॉक्टर के पास, फिर देखते हैं क्या करना है। से आ गई एंड मेडिसिन दी है 3 दिनों की। उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक ये इन्फ्लेमेशन एंड सीवियर यू नो वो हो गई थी एलर्जी, तो जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था। तो या वो चीज़ें कर ली हमने एंड उसके बाद स्वीट्स ली, उसके बाद हमने अभी डिनर कर लिया है एंड मेडिसिन भी खा लिया है एंड बस अब तक यही था। एंड मैं थोड़ी देर पढ़ूंगी एंड इसके बाद सो जाऊंगी एंड इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड मिलेंगे अगले ब्लॉग में कल शाम 6 बजे। लेकिन अगर आप यहाँ नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड या बाय।